ब्रांड दिख रहा है, ब्रांड ये वो मॉडल है जो पहनती है वो ब्रांड हो जाता है ना, ये तो बात है। और हम जो ब्रांड पहनते हैं वो भी सलाह फुटपाथिया हो जाता है। ये हमारा चमेली, तू फूल वाला, फूल फूल नहीं, हम बने फूल। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग वहां से गांव से यहां पे आने के बाद पूरा जो है घर चमका दी मेरी वाइफ, पूरा सुबह से लगी पड़ी थी काम के पीछे, और फाइनली अब जो सामने, अरे कितना बकबक कर रही हो बेटा। तो गांव में हम लोग जो है वहां का दाल चावल खा खा के पक गए थे ना जी, आलू गोभी और क्या था जी, दाल चावल पापड़ आलू गोभी का सब्जी दिन। हाँ, ये इम्पोर्टेंट था कि वहाँ जितने भी दिन हम लोग खाना बना सारा बिना लहसुन प्याज का, बस एक रिसेप्शन में ही हम लोग जो गए थे वहाँ पे मतलब बना था सब कुछ डल के, बट बिना लहसुन प्याज के भी खाने में इतना जबरदस्त टेस्ट, और मतलब शादी का खाना पड़ा था अच्छे से तो अच्छा लग रहा। हाँ, शादी का खाना भी मतलब इतना टेस्टी, मतलब घर में अगर चावल दाल खाना हो तो बहुत चीजें चाहिए होती है, साथ में सब्जी चाहिए होती है, पापड़ चाहिए होती है, चोखा चाहिए होता है, बट वहाँ पे वहाँ पर नहीं था सब चीज। अरे चोखा नहीं था ना, अचार नहीं था ना वहाँ। तो अभी हम लोग जो है आज, अरे बाप रे, क्या दिए जी, जैसे देता है वैसे सजा दिए हैं। ओह माय गॉड, मम्मा मेरे में ऐसे क्यों कर रही हो, जो हम ऐसे प्लेट में जाते हैं तो मैं हूँ खाती हूँ। तो राम लड्डू का मजा लिया जा रहा है यहाँ पे और बहुत टेस्टी लगता है, तो बाहर का खाना तो बहुत कमी हो पा रहा था, वहाँ पे अगर बाहर खाना है तो घूमनी मुड़ी, वहाँ पे अगर बाहर खाना हो तो घूमनी मुड़ी। और एक व्लॉग में अगर आप लोग दिख जाएगा या दिख गया होगा, समोसा चाट ये खाई थी, वो भी मतलब कैसा था समोसा चाट जी, था तो अच्छा, लेकिन वो पैक करवा कर लेकर आया था ना, उसमें एकदम हलवा हो गया था, मैश हो गया था। हाँ, दुकानदार भी मतलब बड़ा अलबत्ता था, मैंने उसे बोला कि समोसा चाट लूंगा लेकिन मुझे सब कुछ अलग अलग पैक करके चाहिए, खाते भी रहिए। तो उसने क्या किया, सब कुछ करा दिया, बोलने के बाद भी नहीं किया, फिर मैंने कहा तुम रहने ही दो यार, एक प्लेट बना दिया रहने दो, छोड़ दो, तो फिर वही है जैसे तैसे ये खाई, चाट है तो जैसे भी खा लेगी, दिमाग ना। ये राम लड्डू का जो मिर्च होता है ना, ये हरी मिर्च को मिर्च में अपने देखिए कपड़ा मत गिरा दीजिएगा चटनी उस पे, इतना मजा आता है ना इसको खाने में, मिर्ची है क्या, चलिए खाइए। तो गाइस आप लोग व्लॉग का मजा लीजिए, हम लोग राम लड्डू का मजा लेते हैं। पकौड़ी लेकर आया, प्याज पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी लाया, चलिए हम लोग खाते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टाइम आपने देखा था मैं गई थी नर्सरी, लेकिन वहां से कुछ भी लेकर नहीं आई क्योंकि हमें जाना था गांव सारे, आज भी कुछ भी लेकर नहीं आएगी। हाँ चलिए, आपके साथ जाएंगे तो यही होगा। तो उस टाइम तो मैं कुछ लेकर नहीं आई क्योंकि हमें गांव जाना था 10 दिनों के लिए, तो सारा पौधा लेकर आते तो सूख ही जाता, कोई फायदा नहीं था, तो इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं। और मैं पहनी हूँ ये मैं पहना हूँ गरीबों वाला, बाप रे बाप, मतलब ये मुझे बोलना चाहिए, मतलब ये देखने में तो सुंदर है लेकिन लेकर आई हूँ मैं फुटपाथ से, और ये सब सारा ब्रांड दिख रहा है, ब्रांड ये वो मॉडल है जो पहनती है वो ब्रांड हो जाता है ना, ये तो बात है। और हम जो ब्रांड पहनते हैं वो भी सलाह फुटपाथिया हो जाता है। तो ये ब्लू कलर मेरे ऊपर आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 सानी। बस बस चलिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गेंदा का, गुलदावदी का और जो भी सीजनल मतलब प्लांट है उसे लेकर आते हैं, जिससे हमारी बालकनी थोड़ा सा सुंदर और आकर्षित लगे, बिल्कुल मेरी तरह। पता नहीं बालकनी से कौन आएगा, मतलब बालकनी से कौन आएगा तो ही लोग बालकनी सजाते हैं क्या, बाप रे कितना भीड़ है जी। ये देखिए एडवर्टाइजिंग का नया तरीका, ये बहुत बड़ा गुब्बारा जिसमें गैस भरी हुई है, अभी ऊपर छोड़ दिया जाएगा, ये देखिए ये ऊपर जो है लटका रहेगा यहाँ पे, ये डोर यहाँ से बंधी हुई है, इसको बड़ा तकलीफ है, पता नहीं यहाँ फूल लेने आए कि क्या ड्रामा करने आए हैं। यहाँ छाट के रखी हुई, कै को लीजिएगा, कितना लेना है, चार पाँच ले जाएंगे क्या, कितना गेंदा खिलाइएगा, तो ससुरारी में तो थोड़े हैं,
सारा तो पीला ही है। कली कब तक मिलेगा जी? एक ये भी ले लेके आइए वाला। ला लो ला। हाँ? ले लीजिए। इतना गमला है? गमला भी लेंगे ना। रहने दीजिए। तो गाइस देखिए ये सब पौधा लिए हैं, सारा सीजनल प्लांट। ये कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी लेके जा रही हूँ मैं। दोस्तों ये देखिए दुकान लगाई है फूल के, ये फूल वाली कितना में दुकान नहीं लगता है। देखिए यहाँ पूरा दिख रही है, लिफ्ट के पास पूरा भर के रख दिया, मट्टी खाद फूल फूल। ये फूल ये हमारा चमेली। तू फूल वाला फूल, फूल नहीं हम बने फूल, हमारे फूल ही बने फूल। क्या लिखा हुआ है? स्लीप विथ मी। क्या के बुलाओ नहीं हो? हैं? स्लीप विथ मी? स्लीप विथ मी? मतलब कुछ हो, जो मिल रहा है मार्केट में लेकर पहन लीजिए। क्या लिखा हुआ है मतलब नहीं है। नहीं ये बुला रहा है एक दूसरे को। क्या बोल रहे हैं पता चल आ गया। देखिए ये पेड़ पौधा लाने के बाद जो है अब उसमें लग चुकी है ये पूरे एकदम दिल दिलो जहाँ से। ये स्लीप विथ मी का ड्रेस लाई थी ये खरीद करके जो गंदा हो गया है। अब पूछो तो बोलती है कि ये दोनों सोएगा साथ में, पता नहीं कौन दोनों। हद है भाई साहब। कौन है यहाँ भाई साहब आपका? कौन है यहाँ भाई साहब? कोई नहीं है लेकिन बोलते हैं ना ऐसे। ये उखाड़ रहे हैं छोटा सा, इसमें पौधा भी तो है एक, ये वाला ग्रीन ग्रीन, ये तनु का है नहीं ये क्या है? ये हमको लग रहा है कि इसमें पता नहीं फिर हो सकता था जो हम निकाल रहे हैं इसमें से। अब कब होता है? अरे कोई कोई होता है ना पौधा, जैसे ये सब है वो ये है और ये सब है जो सूख भी जाता है फिर भी उसका रूट निकल जाता है। इसमें भी जो था मैं सोच रही हूँ पता नहीं वो अगर छोड़िए। तो इसमें कौन सा प्लांट लगाना है इसमें से? गुलदाउदी। गुलदाउदी मैं सोच रही थी ना कि मेरा गुलदाउदी में आ ही नहीं रहा है, जबकि ये वाला उधर मैं दिखाऊं ये उसमें इतने सारे कली आए हुए हैं ना, दिखाइए जरा। पगला भी जब हो रही ये कोने में रखा, अभी पूरा बालकनी में धोऊंगी। ये देखिए कितना कली निकला है, सारे में कली है। मैं सोच रही थी, मैं उनको बोलती थी अंकल मेरा तो कुछ मेरा तो उसमें हो ही नहीं रहा है, पिछले साल का है, पत्ते है लेकिन फूल आ ही नहीं रहा है। तो बोले थे आएगा थोड़ा लेट से, और सही में देखी उसमें है। तो वो गेंदा का फूल कहाँ लगाई फिर, जो लाल वाला जो है वो वाला? उसके लिए भी कुछ खाली करना पड़ेगा। तो आज पूरा देखिए ये ऐसा लग रहा है, ये गमला के साथ डबल डबल गेंदा, और ये वो वाला भी ठीक लग रहा था ना जो रेलिंग पे रखने वाला जो था। रेलिंग पे रखने वाला डबल वाला था, बहुत महंगा मिला था लेकिन क्वालिटी था अच्छा उसका है ना। इससे भी मोटा मोटा था वो, मतलब उसका जो मटेरियल था। इतना सारा प्लांट ले तो लिए हैं लेकिन मान लीजिए कभी शिफ्टिंग करना होगा तो समझ रहे कितना दिक्कत होगा सब ढोने में। दिक्कत क्या होगा, आप अपने आप को ढो लीजिएगा, एक बार गाड़ी में सब आ जाएगा। एक बार गाड़ी में जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना पहली बार जो शिफ्टिंग किए थे तुमको याद है? एक ठेला जो बता रहे हैं जब पहली बार हम लोग शिफ्टिंग किए थे एक रूम से दूसरे रूम पे जब शिफ्ट हुए थे याद है? एक ठेला में हम लोग का काम दो बार में, दो बार में दो ठेला जो ठेला मतलब समझ रहे हैं जो रिक्शा का जो लोडिंग वाला जो गाड़ी होता है ठेला, तो उसमें हम लोगों का दो बार में सामान शिफ्ट हो गया था। और जब हम लोग फाइनली जब यहाँ सोसाइटी में आ रहे थे तो ट्रक भी लग रहा था कि छोटा पड़ जाएगा, और अब तो यहाँ आने में और ज्यादा सामान हो गया, ये भी मोटा गई है। तो
तो पता नहीं अब हमारा सामान पता नहीं कैसे जाएगा, सामान तो चला जाएगा, इसका टेंशन है। हम सामान है क्या? हमसे मोटी मोटी गेंडी गेंडी सबकी बीबी है और हम आपको इतनी मोटी दिखे हैं। हमको दुनिया जहान से क्या मतलब है जी? हैं, दुनिया जहान वाला क्या करता है, हमको से क्या मतलब है? उसका मोटी है, पतली है, नाटी है, गोरी है, काली, हमको से क्या मतलब है? हम तो अपना देखेंगे ना। अपना देखिए फिर, आप भी अपना। तो हम अपना ही तो देख रहे हैं। हाँ, तो अपना भी देखिए। अपना ही देख रहे हैं। ये ब्लू, हाथ वाला दीजिए। ये ब्लू की है, ये हमारे तो है। ये ना जी, ये आदमी से कुछ नहीं हो, खाली बकवास करवा लो। मेरा फोन आ गया। ये देखिए कैसे सुबह दोपहर से लगी हुई थी, पूरा बालकनी का देखिए कैसे क्या हाल की है। ये ऐसा नहीं है कि साफ नहीं कर रही है, वही लगी हुई है कोने में। बाप, पूरा बालकनी तहस नहस कर दी। ए, ओए। तो पेड़ पौधे तो खूब प्यारे हैं, खाली पति से नहीं है। क्या क्या बोले? कह रहे पेड़ पौधे तो खूब प्यारे हैं आपको, नहीं? हाँ सही बात है, वही तो बोल रहे पति से थोड़ी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और तो यहाँ पर ये है, और मुझे लाइट जलाना था तो मैं ऑफ कर दी। तो ये देखिए, ये आज आया था गीजर हमारा। ओ, ये बाथरूम का है कि किचन का है? तो मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये गीजर इन्होंने मंगाया है ऑनलाइन। कल हम लोग गए थे ना देखने के लिए मॉल, लेकिन इसका तबीयत खराब हो गया तो हम लोग ले नहीं पाए थे वहां से, इसे लेने चले गए थे, इस शैतान को लेने चले गए थे किटजानिया। तो फिर इन्होंने ऑनलाइन ही मंगाया है। तो ये हिंडवेयर का है, पता नहीं कौन कौन सा ब्रांड है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तनु इस कप को रख देना बेटा जाके किचन में, तनु गिर जाएगा, जाओ पहले रख के आओ, जाओ ना बेटा। ठीक, इसको उठा के रखो किचन में। कप कप जो तो देखते हैं कैसा है। वैसे मैंने 5 लीटर का मंगाया है, ये 5 लीटर का कहाँ लिखा हुआ है? हाँ देखिए, 5 लीटर, 3 लीटर भी सही है, लेकिन मैं जान मुझकी 5 लीटर का मंगाई। थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम, जैसे कि पेडीक्योर करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी कौन गर्म कर रहा है गैस पे, अपना इसको जला दो, अपना पानी ले लो सफिशियंट। पूरा घर गंदा कर देना, तो इसलिए 5 लीटर का मंगवाई हूँ कि थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा भी काम हो जाए। ये मुझे क्या बोल रहे थे अभी? ये सही ठीक है, नहीं ज़्यादा छोटा लग रहा है। ठीक है, हाँ थर्माकोल, ये तो बाथरूम में भी लगाना है सबसे। बाथरूम में 5 लीटर में क्या होगा, बहुत ठंड है ना। बाथरूम में क्या करोगी ठंड में, उसको जला के क्या करना है? मतलब क्या तुमको धोना है उसी से, उसी पानी से जल जाएगा पिछवाड़ा ही। आपका हाथी से जल सकता है मम्मा। अच्छा ये कौन वाला है, इसमें एक गैस वाला भी आता है क्या? गैस वाला है? हाँ इलेक्ट्रिक वाला है ये लाइट रहेगा तभी। एक और भी आता है लेकिन तो वो गैस से जलता है वो। मतलब गैस 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 चूल्हा से और क्या, ये वाला गैस से जब गर्म करना हो चढ़ के पा दीजिए उसको। ए वीडियो ऑन है, कुछ बकवास मत कीजिए। अच्छा है, साइज ठीक है, 3 लीटर का ज्यादा छोटा पड़ जाता है, ये ठीक है। अच्छा, ये हो गया कि नहाते समय अगर मान लीजिए मतलब पानी कम पड़ गया, शावर में तो वो चीज मजा नहीं आया अगर गर्म पानी से, तो बाल्टी में निकाल लिए पानी, हो जाएगा अपना मिला है मिक्स करके अपना नहा लिए। 5 लीटर में कितना नहाइएगा? 2 लीटर। 5 लीटर में कितना हो पाएगा पानी? 5 लीटर खाली इसी का पानी छोड़ना है, जब खोलता हुआ पानी निकलेगा बकेट में उसमें पानी मिलाइएगा, नहीं 2 लीटर पानी में पूरा बाल्टी भर जाएगा आपका। हाँ तब क्या, तो बाथरूम में नहीं लगा हुआ है गीजर, ये पहले बोल रहे थे कि बाथरूम में लगवा। हे फ्रेंड्स, तो अभी अभी जो है ये आपको दिखाई थी कि गीजर आया था हमारे घर पे, अब जो है ये खाना इतना बनाती है, इतना बनाती है पूरा चूल्हा बर्बाद कर दिया। अब चूल्हा ये बोला कि बस करो देवी, अब हमसे नहीं रहा जाएगा।
बताइए, बैगन टमाटर सब चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट बर्नर पर रख के पकाएगी तो जाम नहीं होगा, खराब नहीं होगा? क्या कहना चाहते हैं? तो उसके लिए देखिए स्पेशल अब जो है 3 बर्नर आया है कि यहाँ पे जो है मेरा चाय बनेगा, यहाँ पे दाल बनेगा और यहाँ पे बनेगा आपको सर चावल, चाय बनेगा यहाँ, लग रहा है कि चाय बनता रहेगा दिन भर। तो यहाँ पे आपका सूप बनेगा, यहाँ पे तन्नू का मैगी बनेगा और यहाँ पे तो बैगन ही रखा है। लास्ट वाले पे टमाटर और बैगन बचे। मतलब सोचा था कि आप सूप वहाँ खर्च कर रखा हुआ उसको खत्म करेंगे तो चाय दिख, फिर आज चाय पी ली। हम अपना बैठ के वीडियो एडिट कर रहे हैं, पीछे से आवाज लगा रही है, ए जी चाय नहीं पिलाइएगा, चाय पिलाइए, चाय चाय देखिए वो चाय कितना भर के चाय ली है, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है चाय में। 3 कप के जैसा चाय बना दिए हैं और उझल देते हैं कि बार जितना भी दूध होता है सब। जी बाल है, कैसे नहीं टेस्ट आ रहा है? क्या मतलब मीठा नहीं है? मीठा नहीं है क्या? कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है वो चाय का, पता नहीं चाय कैसे बनाते हैं, बस चाय दिखने में चाय, टेस्ट हो चाहे ना हो। वाह वाह ताज, एक तो जाते सुरसुर वाला इंसान ना आपको मन करता है उसको मुंह तोड़ दे जो सुरसुर करके पीता है बदतमीजी। फिर देंगे फाइनली फाड़ देंगे सर आपका, और वो भी जो आप लोग सोच रहे हैं। ऐसे ही पीना चाहिए, समझे? ऐसे ही पीना चाहिए, चाय पीना चाहिए तो मजा लेकर के। जब अकेले बनाए ना तब वो मजा लीजिए, किसी के सामने मत लीजिए। हम किसी के सामने क्या ले रहे हैं? मेरे सामने ले रहे हैं ना हम, आप मेरे में फर्क है क्या? हम तो बहुत फर्क है, सोचिए चोट इसको लगता है दर्द हमको होता है, कभी नहीं हुआ है, हमेशा होता है, कभी नहीं हुआ है, हमेशा होता है। हुई तो जो हमको दर्द हुआ वो आप झेल लिए क्या? अब बताइए इसका क्या जवाब दें? है कोई YouTube पे हम लोगों का वीडियो देखने वाला जो इस बात का जवाब दे सके कि जब मम्मी को पेन होता है प्रेगनेंसी के समय, उस समय पिताजी को क्या फील होता है? अब इसका नहीं हुआ था आपको, हुई है तो दर्द हाँ तो हमको लेकिन जो मर्दों को जो दर्द होता है चाहे ऑपरेशन से हो चाहे नॉर्मल हो, हम तो वो तो हमको हो रहा था ना। क्या दर्द हुआ था? अब सोचिए क्या बोले, छोड़िए। क्यों कुछ हुआ ही नहीं तो क्या दर्द हुआ था? कहीं पढ़ रहे थे हम, ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ था कि थोड़ी भी याद नहीं आ रहा बात, बताइए मतलब ऐसे कुछ लाइन लिखा हुआ था कि तो कोई लड़की बोल रही थी अपने बॉयफ्रेंड को कि अगर तुम काश तुम लड़की होती ना तब तुम्हें मेरा दर्द समझ में आता, आंख से आंसू निकल जाते। तो लड़का बोलता है अगर तुम लड़के अगर तुम मेरे जगह होती ना तो तुम्हें दर्द भी होता तो आंख से आंसू नहीं निकलता, समझे? ये फर्क होता है। हटिए हटिए, दूसरा का कब आएगा? क्या क्या दूसरा कब आएगा? अभी तो ये बोले क्या है चूल्हा, दूसरा का कौन सी चाहिए? एक मन नहीं भर रहा आपको, एक वो पति या तो मन नहीं भर रहा है, दूसरा पति चाहिए? पति का बात कर रहे हैं, बकवास कीजिएगा। चलिए सो खोलते हैं। आई ये और इसे कहाँ गया? इसके ऊपर वाला क्या? इसके ऊपर वाला कहाँ गया? सब नीचे होगा, ऊपर वाला नीचे होगा, पता नहीं आपको। ये पैक है, ये है तो ये आया है चूल्हा हमारा, अब इसको सेट करना है, तो सेट तो इनसे होगा नहीं, उसके लिए अब आएंगे जो वो सेट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो सब कुछ लगने के बाद जो है नया चूल्हा लगाया, उस पर खाना बना, उस पर मैंने चाय भी बनाई, तनु के लिए मैगी भी बनाया, उसके बाद ये देखिए यहाँ एकदम बिल्कुल जो है आराम फरमा रही है मेरी बेगम साहिबा। अरे इतना सामने मोबाइल ऐसे मत लाया कीजिए, दूर से बात कीजिए। ओ बापरे बाप, बोले बोबली बुबली। उठिए। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है ए कांची, अरे कांची यार, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
ठीक है। तो भाई आज के ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे हम लोग यहाँ पे आने के बाद क्या क्या किए, पूरा ये फूल गाछ गमला सब तोड़ दी और गीजर लग गया, चूल्हा लग चुका है, लेकिन इसका जो है मूड ठीक नहीं हुआ है। तो आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए और मैं उसको उठा करके भी पटकता हूँ नीचे 9th फ्लोर से। अच्छा हिम्मत उठिए, चल 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 चल, चल। बाय।